दोस्तों, अभी से जस्ट कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जियो का 15 दिन की वैलिडिटी का भी प्लान आ गया। आप जियो फोन यूज कर रहे हो या तो फिर स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, अपने फोन के अंदर आप 15 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान भी आप रिचार्ज करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप जियो की तरफ से एक और नया प्लान निकल कर आया है जो कि नो डेली डेटा लिमिट प्लान है। अब इस प्लान के अंदर क्या होगा कि जो भी मंथली आपको डेटा मिलना है वो सारा डेटा एक साथ ही मिल जाएगा, आपको डेली डेटा का लिमिट नहीं होगा। जो भी डेटा आपको मिलना है पूरे महीने का एक साथ मिल जाएगा। आप इस डेटा को एक दिन में खत्म कीजिए या तो फिर वैलिडिटी तक चलाइए। तो यहाँ पे जो प्लान आए हैं उसके अंदर 147, 447, 597 या 2397 का रिचार्ज आप कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 127 का रिचार्ज करते हो तो 127 में क्या होगा कि आपको 15 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और टोटल 12 GB डेटा मिलेगा। और ये जो 12 GB डेटा आपको मिलेगा ये सारा डेटा एक साथ ही मिल जाएगा जब आप रिचार्ज करेंगे। आप चाहे इसे एक दिन में खत्म कीजिए या तो फिर 15 दिनों के अंदर। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे हर रिचार्ज प्लान के अंदर मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे दूसरा प्लान आता है 247 का। 247 में आपको टोटल 25 GB डेटा मिलेगा 30 दिन की वैलिडिटी के साथ में। तो ये सारा 25 GB भी आपको एक साथ ही मिल जाएगा। आप चाहे एक दिन में खत्म कीजिए या तो फिर अपनी वैलिडिटी के साथ में खत्म कीजिए। उसके अलावा ऊपर के भी प्लान आप देख सकते हैं, 447 का है, 597 का है। तो यहाँ पे भी आपको 90 डेज की, जैसे 597 में आपको 90 डेज के लिए 75 GB मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इसे रिचार्ज करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक साथ डेटा सारा चाहिए तो इसे आप रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करते हैं जो एग्जिस्टिंग प्लान चल रहे उसके साथ में, तो एग्जिस्टिंग प्लान बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे रिचार्ज करते हैं, जैसे कि एक मंथ वाले हम ले लेते हैं, जैसे कि 247 का आप रिचार्ज कर रहे हो, आपको टोटल 25 GB डेटा मिल रहा है एक साथ, तो मिल रहा है सारा डेटा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे डेली एवरेज में आप देखेंगे तो 1 GB से भी कम आपको डेटा मिल रहा है डेली का, जबकि आप 250 रुपए खर्च कर रहे हो। वहीं अगर आप नॉर्मल रिचार्ज करते हो 199 का प्लस आप 51 रुपीज का एक्स्ट्रा एडिशनल डेटा डाल लेते हो तो 6 GB आपको एडिशनल मिल जाएगा। जिस दिन आपका डेटा खत्म हो जाता है 1.5 GB, उस दिन आपको वो डेटा यूज हो जाएगा। तो आप अगर आप चाहे तो 199 के रिचार्ज करा के आपका डेटा खत्म होता है तो एक्स्ट्रा डेटा वाउचर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ही रिचार्ज करते हो तो आपको डेटा बहुत ज्यादा कम मिलता है। हालांकि एक साथ मिल जाता है बेनिफिट है, लेकिन आपको डेटा बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो आप देख लीजिए जिस तरह का आपको रिचार्ज बेनिफिशियल होता है आपके लिए वो आप रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट था कि जियो की तरफ से यो यहाँ पे नो डेली डेटा लिमिट वाला प्लान्स भी आ गया है, तो अब आप इसे रिचार्ज करना चाहे कर सकते हैं। तो बस ये था एक छोटा जानकारी, होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो चले तो लाइक करिएगा, चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।